खान के वनवास का टाइम खत्म हुआ। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे पठान के 17वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म के अब तक के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस फिल्म ने अपने पहले दिन में इंडिया में 57 करोड़ 40 लाख का नेट कलेक्शन किया था तो पहले एक्सटेंडेड वीकेंड में 281 करोड़ 78 लाख का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 364 करोड़ 65 लाख का कलेक्शन किया था और अपने दूसरे वीकेंड में 65 करोड़ 66 लाख का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने 13वें दिन में 8 करोड़ 52 लाख का, 14वें दिन में 7 करोड़ 45 लाख का, 15वें दिन में 6 करोड़ 70 लाख का और अपने 16वें दिन में यानी गुरुवार के दिन में लगभग 5 करोड़ 94 लाख का कलेक्शन किया। और इसी के साथ इस फिल्म के 16 दिनों को टोटल हिंदी नेट कलेक्शन 442 करोड़ 4 लाख हो चुका है तो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 458 करोड़ 92 लाख हो चुका है तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 546 करोड़ 70 लाख हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 340 करोड़ का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 16 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 886 करोड़ 70 लाख हो चुका है। दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के 17वें दिन की कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने 17वें दिन में इंडिया में लगभग 5 करोड़ 40 लाख का नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों आखिरकार पठान ने KGF 2 की हिंदी लाइफ टाइम नेट कलेक्शन को क्रॉस कर लिया। KGF 2 ने हिंदी में 438 करोड़ का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था। अब पठान बाहुबली 2 के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।